अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, इसको इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसकी स्टेटमेंट है दैट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। अच्छा, इस लॉ को सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर H2O। अब आप अगर डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर ले लें, चाहे वो लेबॉर्ट्री का पानी हो, रेन वाटर हो या फिर रिवर वाटर हो, वो तभी वाटर फॉर्म होगा जब दो पार्ट हाइड्रोजन और एक पार्ट ऑक्सीजन कंबाइन होंगे। ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कंबाइन हुए हैं, चाहे वो कोई भी सैंपल ले लें। तो ये लॉ हमें ये बताता है कि जब डिफरेंट सैंपल्स भी आप ले लें कंपाउंड के लिए, तो उनका जो फिक्स रेशियो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास H2O की एग्जांपल है। H2O जो है उसका जो रेशियो है हमारे पास 1 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये एक कांस्टेंट हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन है। अब ये हर पानी में, चाहे वो आप लेबॉर्ट्री का वाटर उठा लें, जो डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर उठा लें, ये सेम रहेगा।